चलो भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे फटाफट से। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड। आई होप सबने पढ़ लिया होगा, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं, फिर थोड़ा समझाएंगे। ये लो जी, ठीक है, अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, मतलब कोई एक सर्किल ले लेते हैं। देखो ये सर्किल है, ऐसा सर्किल देखा है कभी? ऐसा ही सर्किल होता है हमेशा। ढक्कन कहां से आ गया ये बीच में? सर्किल कहां मिलेगा भाई? तो जादू वाला बोर्ड है, ये लो। हाँ जी, ये देखो, ये है सर्किल। हाँ जी साहब, आप कहोगे यही है सर्किल। चलो साहब, चलो जी, ये रहा सर्किल। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, ठीक है? दो कॉर्ड्स हैं जो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। देखना, एक कॉर्ड मैंने मान ली ये है, और एक कॉर्ड भाई मैंने मान ली ये है। ये दो कॉर्ड हैं जो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। साथ में मैंने सेंटर इसका मान लिया, ये इसका सेंटर है भाई। अब इसी को मानना, हो सकता है इधर हो ज्यादा, ठीक है? ये इसका सेंटर है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से समझेंगे हमें क्या प्रूव करना है। देखो इसको मैं मिला देता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें, ठीक है? और इसको मैंने यहाँ मिला दिया। अभी पहले आप समझो, ठीक है? देखो ये दो कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड्स का नाम कर दिया मैंने ए बी और सी डी। जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर से और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है, मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला और वो ये वाला एंगल, ये दो एंगल बराबर हैं। ये दो एंगल हमें क्या प्रूव करने हैं? बराबर प्रूव करने हैं। एक तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्लियर है? ये दो एंगल शायद विजिबल होंगे, ये दोनों हमें बराबर प्रूव करने हैं। अब कैसे करेंगे वो आप समझेंगे फटाफट से। तो आप इसको और मिला देते हैं हम, ठीक है? ये हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया और इस पर भी परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है? ये भाई परपेंडिकुलर है, ठीक है? ये रहे परपेंडिकुलर। अब आप इन दोनों को बराबर कैसे प्रूव करोगे? ये जो दो एंगल है, इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए आप इन दो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इसको क्या कर लेंगे हम? कॉन्ग्रेंट। इसको क्या कर लेंगे हम? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है? देखो फटाफट से भाई, इस सेंटर का नाम रख लेते हैं ओ। सेंटर का नाम रख लिया हमने ओ, और कुछ बचा? इसका नाम रख लिया हमने ई। अब देखो ये दो जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ही ये दोनों एंगल हो जाएंगे सीपीसीटी से बराबर, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो सेकंड का जस्ट आधा ही है ये, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो हम जो जो चीजें बनाई हैं वो लिख लेते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इंटर सेक्टिंग विद इन द सर्किल, इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्किल, ठीक है, विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ है, क्लियर भाई? ज्वाइन ओ ई, हमने क्या किया है? ओ ई को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ई, और साथ में हमने ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है? साथ में ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये काम हमने किया है। इसके बाद जो हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, मतलब ओ ई एम एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन, एंगल ओ ई एन, ये दो एंगल भाई हमको बराबर प्रूव करने हैं। यहां से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, प्रूफ में हमारे पास क्या है? हम इन दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ई एम और ओ ई एन। तो यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ ई एन, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ओ ई कॉमन है, मतलब दोनों में बराबर है,
ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है। क्यों हमने लिखा? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है भाई। अगली चीज क्या है हमारे पास, ये एम एंगल और एन एंगल, एम और एन दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। क्यों लिखा भाई हमने ऐसा? क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी चीज जो लिखेंगे उसको ध्यान से समझना कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड क्या होती है भाई? इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, सेंटर से जितनी दूर ये होगा उतनी ही दूर ये होगा। तो मैं कह सकता हूं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। क्यों लिखा भाई? हम यहां लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से समान दूरी पर होते हैं, ठीक है भाई। अब आगे समझो, तीनों चीज बराबर हो गई तो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ई एन। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से हो गए? तो भाई रूल का नाम है आर एच एस, आर एच एस रूल से। देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस यूज हो रही है तो आर एच एस से ही तो हुए, ठीक है। अब आगे समझो, अब हमें सीपीसीटी से जस्ट ये इसके बराबर बता देना है। नाउ ओ ई एम, ओ ई एम एंगल ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एम, सॉरी ओ ई एन, ओ ई एम किससे? सीपीसीटी, सीपीसीटी से दोनों एंगल प्रूव हो गए। यही हमें प्रूव करना था, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है भाई, हेंस प्रूव। आई होप समझ में आया होगा, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलो जी, नोट डाउन कर लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार उसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो? सेंटर भाई सेम हो। और आपको जो प्रूव करना है इसमें, ये वाला जो टुकड़ा है ए बी इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सी डी के, क्लियर है? फटाफट से आसान सवाल है, इसको करते हैं। सबसे पहला काम इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं, इसको हमने किया छोटा, ये लो, ठीक है जी, ये रहा। अब आगे देखेंगे फटाफट से, 1 सेकंड का समय देंगे, इरेजर को बड़ा कर लेते हैं। चलो चलो जी समझो, अब इसको हमें कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले ओ सेंटर है, ए बी बराबर सी डी करना है। तो इसमें एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान देने वाली इसमें है, इसको पहले थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा तभी मैं समझा पाऊंगा। ये जो है ना सेंटर, सेंटर से मैंने इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर, कॉर्ड पे क्या डाल दिया इस पे? परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैंने इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मतलब ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। और इसके लिए मैंने ई लिख दिया, ये क्या लिख दिया? ओ ई, ये भाई क्या है? ये है ई, ठीक है। ओ ई परपेंडिकुलर है, आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं इसको तमीजे बना लेता हूँ ई, ठीक है। ओ ई परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये टुकड़ा जो होगा ना, कौन सा वाला? बी ई बराबर हो जाएगा सी ई के, क्लियर है। बी ई बराबर हो जाएगा सी ई के, और साथ में ये जो टुकड़ा है बी ई ए बराबर हो जाएगा ई डी के, बड़े वाले सर्कल के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट होती है। आप समझते हैं, फटाफट से लिखना शुरू करेंगे सॉल्यूशन। हमने क्या करा है, ओ ई, ठीक है, ओ ई ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी सी पे हमने क्या डाल लिया? एक परपेंडिकुलर डाल लिया। अब इससे क्या होगा कि जो बी ई है और ई सी है वो बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बी ई बराबर हो जाएंगे किसके? ई सी के। क्यों हो जाएंगे भाई? रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सेम अगेन एक चीज और लिख सकते हैं हम कि ए ई बराबर ई डी हो जाएगा, सेम रीजन से, ए ई बराबर ई डी हो जाएगा, सेम यही रीजन है, ठीक है भाई। देखो बी ई बराबर ई सी और ए ई बराबर
इसके बाद अब आप क्या काम करो, इसको मान लो सेकंड, ठीक है, और इसको मान लो फर्स्ट। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को घटाना है सेकंड में से, तो ए माइनस बी बराबर ई डी माइनस ई सी, ठीक है। ए में से बी सी, ई से ए में से बी जाएगा, ए में से बी जाएगा तो क्या बचेगा भाई, तो बचेगा ए बी बराबर, साथ में ई डी, ई डी में से ई सी जाएगा तो क्या बचेगा भाई, सी डी। और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ दैट ए बी बराबर सी डी। और मैंने हमेशा बोला है प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप पहले लिख लिया करो कि टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, तो भाई आपको एक बार यहाँ पे जरूर लिख लेना है कि हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी, ठीक है। उससे ऊपर गिविन भी लिख सकते हो क्या है छोटा मोटा, इसके बाद यहां से आप अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ये है आपका प्रूफ, ठीक है भाई। चलो फटाफट से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।